अगे वधांगे ते वड्डी खबर दा रुख करांगे। गुजरात विधानसभा चोणां दी तरीकां दा ऐलान हो चुके है। कौमी चोण कमिशन ने तरीकां दा ऐलान कर दिता है। 1 ते 5 दिसंबर नूं गुजरात दे विच विधानसभा चोणां होणगीआं। दो चरणां दे विच दो पड़ावां दे विच चोणां होणगीआं। तो नाल ही 8 दिसंबर नूं जिद्दन हिमाचल दे चोण नतीजे आणगे उसे दिन गुजरात विधानसभा दे चोण नतीजे भी आणगे। सो वड्डी खबर है, कौमी चोण कमिशन ने गुजरात विधानसभा चोणां दीआं तरीकां दा ऐलान कर दिता है। प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई चोण कमिशन दे वल्लों ते इन्हां तरीकां दा ऐलान किया गया। 1 ते 5 दिसंबर नूं दो पड़ावां दे विच वोटिंग होएगी ते 8 दिसंबर नूं नतीजियां दा ऐलान होएगा। तो दस दईए गुजरात ते हिमाचल दे विच विधानसभा चोणां होणियां ने ते अज गुजरात विधानसभा चोणां दी तरीक दा ऐलान होया है। कौमी चोण कमिशन ने इस तरीक दा ऐलान कीता है। दो पड़ावां दे विच चोण होएगी। 1 ते 5 दिसंबर नूं वोटिंग होएगी। 4.9 करोड़ वोटर विधानसभा चोणां दे विच अपनी वोटिंग करनगे। इस दे नाल ही कई पोलिंग स्टेशन बनाए गए। तमाम तरह दीआं परंपरावां इस बार शुरू कीतीआं गईआं। कई नवें वोटर इस बार सूची दे विच जुड़े ने जो अपनी वोट पाउणगे ते उम्मीदवारां दी किस्मत दा फैसला करनगे। सो इस वेले दी वड्डी खबर है, गुजरात विधानसभा चोणां दी तरीक दा ऐलान हो चुके है। 1 ते 5 दिसंबर नूं वोटिंग होएगी, जबकि 8 दिसंबर जिस दिन हिमाचल चोण दे नतीजे आउणगे उसे दिन गुजरात विधानसभा चोणां दे नतीजे भी आउणगे। सो तमाम तरह दीआं तैयारियां चोण कमिशन दे वल्लों कीतीआं जा रहीआं ने। वोटरां दी सूची तैयार है। कई नवें वोटर जुड़े ने, कई नौजवान वोटर जुड़े ने। 4.9 करोड़ वोटर उम्मीदवारां दी किस्मत दा फैसला करनगे।